सकता है। एक बात आपको और बताता हूं, वो और सुन ले मेरी बात। बताइए। आएगी तेरे को तीन तीर प्यारे की, के तेरे कल्या हुई लड़ाई बता सब तबाही चारे सब तबाही चारे की। ये कोई आवे कोई जान लाग रहा या चक तो सरावटिया रे चटकी पुठा कह दुनिया चोभे नकारे दुनिया चो नकारे की हुई कन्हारे पसी ओ हुई कन्हारे पसीना सुक्या और सर्दी बड़ी बचे हर गहरा के दुख दूर कर एक बात बता के कोई गणी कसूती चिट्ठी आ गई, कोई गणी कसूती चिट्ठी आ गई तेरे गोती नाती प्यारे की, के तेरे साथ में हुई लड़ाई साबत भाईचारे की। ए बेबे कोई आवे कोई जान लाग रहा या दुनिया कोई आवे कोई जान लाग रहा जगत शराब ठियारे की, जो निकली ओठा चटकी पोठा कह दुनिया चोभ नकारे की। तनगा दड़ाली रायत बना दी हुई कन्हार पसीना सुक्या सर्दी बड़ी बछेरे में और दुगेरा के दुख दूर करूं सुया ताकत से मेरे में। बता इनमें से कौन सा दुख है तेरे? इनमें से एक भी दुख नहीं है मेरे। इनमें से भी कोई दुख नहीं? हाँ। तो फिर अब दिल करड़ा कर ले, तेरे को मैंने अपनी बहन कहा है और औरत के लिए ये शब्द सुनना बहुत मुश्किल होता है, सुनाता हूँ सुनिए। गोती में रोन लाग रही के बाप मर्याई से आने का। बस बस भाई यो ही दुख से, यो ये दुख से बिल्कुल। इस बच्चे का बाप नहीं है। हाँ बहन, संसार में अमर भी कोई नहीं, मरना सबको है। बात सुन ले पूरी। देखे ले गोती में रोन लाग रही एक बाप मर्याई से आने का। मन सारा भेद तू खोल के कहते कोई काम नहीं शर्माने का, काम नहीं शर्माने का। और बहन मैं भी कोई ठहिये ठिकाने का ही आदमी हूँ, एरा गरा नहीं हूँ। कौन हो? ईशा उषा मन मत ना जाने। हाँ। मैं सुमानस ठोड़े ठिकाने का ये पान जी में रहन लग गया श्री मंगे राम सुसाने का, मंगे राम सुसाने का। पहले मोटर चलाई
चलाई फिर सांग सीख लिया गुरु लक्ष्मी चंद के डेरे में। बहन हाँ भाई ले गोदी में रोरी से के बाप मरे ऐसी आने का सारा भेद खोल के कह दे काम नहीं शरमाने का। ईशा उषा मन मतना समझे मैं भीषु मानस ठोड़ ठिकाने का और पाणची में रहने लागे क्या गुरु मांगे राम सुसाने का। पहले मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया गुरु लक्ष्मी चंद के डेरे में। बहन हाँ भाई तू थोड़ी देर पहले मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था हाँ, और तय भी तरतर रो रो के कह रही थी कि बेटे तेरे को आज किले में जाना होगा, तेरे पाछे पाछे मैं भी आ लूंगी, मैं भी मर लूंगी, तेरा बाप गया उसी जगह तने जाना पड़ेगा। ये क्या मामला था? देखिए भाई हाँ ये जो नगरी है हाँ क्या नाम है इस नगरी का? तमोल नगरी। नगरी का नाम है तमोल नगरी और यहाँ का राजा है क्या नाम है? श्याम धाम। राजा का नाम श्याम धाम। उसकी लड़की राजा की लड़की हाँ क्या नाम? उसका नाम है रतन कंवर। रतन कंवर वो एक दिन अपने पुराने किले में घूमने के लिए गई थी। पुराने किले में घूमने के लिए चली गई हाँ। फिर तो उसपे किसी राक्षस ने अपना साया डाल लिया। मतलब उस लड़की को राक्षस ने अपने कब्जे में ले लिया। बिल्कुल। अच्छा अब उस दिन से 12 साल पहले गई थी वो। 12 साल पहले गई थी वो लड़की हाँ जी। उस दिन से हर एक रोज हाँ हर एक नगरी का आदमी उस राक्षस की भेंट में जाता है। शहर से रोजाना एक आदमी उस राक्षस की भेंट में जाता है हाँ। वो राक्षस उसे खाता है। बिल्कुल खत्म कर देता है। 12 साल पहले मेरे पति गए थे। मतलब इस बच्चे का बाप है हाँ। और 12 साल बाद में आज मेरे घर का फिर से नंबर आ गया है। 12 साल पहले तेरा पति गया था और आज दोबारा तेरे घर का नंबर आ गया। बिल्कुल इसलिए मैं रो रही हूँ। मतलब आज तेरे बेटे को जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। उस समय तो तूने सबर कर लिया होगा कि आज मेरा बेटा है मेरे पास, इसके सारे जिंदगी काट लूंगी और मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मेरा अकेला ये बेटा ही सहारा है। अच्छा। इसको देख देख के मैं जी रही हूँ। बहन रोना बंद कर, रोना बंद कर। मैंने तेरे को पहले कहा था कि गहरा के दुख दूर करूं सुया तकत से मेरे में जा। इस सराय के अंदर तेरे से वादा करता हूं कि मेरे इस शरीर में एक सांस बचेगा, इस शरीर में एक सांस बचेगा जब तक तेरे बच्चे को गर्म हवा भी नहीं लगने दूंगा। ये एक धर्म के भाई का वादा है। ठीक है भाई हाँ। सजनों बठियारी की ओर राजा वीर विक्रमाजीत की बात हो रही थी और बातों बातों में लड़के का जो किले में जाने का समय था वो समय निकल जाता है। राजा श्याम धाम क्रोधित होता है, बठियारी को अपने दरबार में बुलाता है। होता क्या है ये आपको बताएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हमारे अतिथियों का हमारे मेहमान से बठियारी नहीं मानती आग, बठियारी नहीं मानती नहीं, हमें तो मार पीट के भेज दिया कोई मुसाफिर बठियारी हाँ जो किले का जाने का टाइम है आप जाइए जल्दी। वो उग रहा है किले का टाइम है उस बठियारी को सोचना चाहिए हाँ जाइए आप। बठियारी प्रणाम महाराज। खुश रहो, तेरे को ध्यान होना चाहिए तेरे लड़के का जाने का टाइम था किला का हाँ, और तू अभी तक तेरे बच्चे को नहीं भेजा। देखिए ये बड़ी भूल की है आप। महाराज मेरी पे रहम कीजिए, मेरी पे तरस खाइए क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, क्योंकि सासू ननद जिठानी कोनी, मेरे बेटे पे दिन तोड़ू सू और मेरे बेटे की जान बचा दे भूख खड़ी कर जोड़ू। मैं आपको बठियारी हाथ जोड़ती हूँ। मैं तेरा बेटा आज मैं छोड़ देता हूँ, कल मेरी नगरी का कोई और कह देगा मेरे एक ही है इसको छोड़ दो, तो ये मेरी सिस्टम नहीं है दरबार का। आप किसी और ने भेज दीजिए नहीं जल्दी कर। माता जी क्यों रोती हो, किसके आगे रोते हो जी? ये तो बड़ा अन्याय राजा है। क्या कहना चाहते हो बेटे? पत्थर दिल के हैं तो दुनिया में से बड़े बड़े चले गए राजा महाराजा, मेरी तो औकात क्या है माँ जी, सुनिए मेरी बात। कहिए बेटे। बच्चे बेटे से आवाज आए जननी सपने वाह आए एक
के बारे उम्र ना से जी बच्चे जित राजा अन्याई ओ उड़े जीगे के करना शेरी तेरे ना हाँ दुनिया में ये सूर्य गला वो करी घुमाई वो रख रहे दुनिया में राम लक्ष्मण शत्रु गण मां भरत रहे ना दुनिया में श्री कृष्ण अर्जुन योद्धा जे दरत रहे ना दुनिया में श्री कृष्ण अर्जुन से योद्धा जे दरत रहे ना दुनिया में पेद सोना पेद बता के चांदी पेदर ना सेरी आए
माता जी हाँ बेटे मेरी बात सुनिए। आकाश वायु पर थी जल अग्नि चांद और तारे दो दिन के एगो तीन ती कुटुंब कबीला ओ बिन तर प्यारे दो दिन के कुटुंब कबीला ओ मित्र प्यारे दो दिन के धरे ओ मालिक खजाना उपोज नकारे दो दिन के ये राज पाटे धन माल खजाना उपोज नकारे दो दिन के 84 लाख जीव जंतु ने चक्कर में फिरना खान देरी माँ मत ना रो वे दिल टूटे हट जा इव रहन देरी माँ जिस जंगे मेरा बाप गया उसी जंगे जान देरी माँ श्री मंगे राम शुभ कर्म करे थे भोसा कर तिरना से जित राजा अन्नाई हो उड़ा जी के करना से बठियारी महाराज तने तो रामायण बना दी इस बात की जल्दी भेजो ठहरिए महाराज क्या बात है आप कौन है देखिए राजा श्याम धाम जरूरी थोड़े बठियारी का बेटा ही जाओ सर्फ की भेट में उस राक्षस की भेट में ये इस बठियारी का लड़का ही जाएगा क्यों और कोई नहीं जा सकता नहीं। क्यों ये मेरे दरबार का मेरे सिस्टम नहीं है मेरी नगरी का ये सिस्टम नहीं है देखिए मैं ना आपकी नागरी का हूँ और ना आपके शहर का ना आपके राज का हूँ जी क्या इस बठियारी के बेटे के बदले में मैं जा सकता हूँ किले में भाई तू मेरी नगरी का नहीं है और तेरे को मरने का चाव है हाँ। तो तू किले के अंदर जा सकता है ठीक है महाराज नहीं नहीं आप भेजिए अपने अहलकारों को मैं जाता हूँ किले के अंदर ठहरी भाई हाँ मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी क्यों बहन क्या दिक्कत हो गई क्यों क्योंकि हाँ मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है जी और आपने मेरे को बहन कहा है हाँ। मैं आपको नहीं जाने दूंगी फिर बहन कहा जब मन किले में नहीं जान देगी तू नहीं नहीं क्यों नहीं जान देगी
क्योंकि किले में जाने के बाद में कोई वापस नहीं आया है। देखिए बहन, आज तक कोई किले से वापस नहीं आया होगा, लेकिन मैं किले में जाऊंगा, सुबह वापस भी आऊंगा। मैंने तो आज तक देखा नहीं है वापस। और तू अपने बेटे ने ले अपने घर पे जा, और सुबह तेरे पास मिलने के लिए फिर आऊंगा मैं। और आपको एक बात और बता दूं, ये वीर विक्रमाजीत जो था कोई दूसरा विक्रम नहीं था, ये वही भर्तृहरि का छोटा भाई विक्रम था। कि जिस समय राजा भर्तृहरि ने पिंगला के चक्कर में आकर के विक्रम को जल्लादों के हाथ में दिया था, तो जल्लाद उस विक्रम को वनखंड में जिंदा छोड़ करके आए थे। और वो विक्रम उस वनखंड के अंदर मच्छिंद्र नाथ जी महाराज की जमात में तपस्या करता है। 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद 4 वीरों को जीतता है, और इसके कारण ही उसका नाम वीर विक्रमाजीत पड़ा था। किले के अंदर जाता है और किले के अंदर रोशनी करवा देता है अपने वीरों से, और उस रोशनी का फायदा उठा करके जो राक्षस आधी रात के समय सर्प का रूप बना करके इंसान को खाया करता, उस सर्प को भाला मार करके खत्म कर देता है। और जो ही सर्प खत्म हुआ, अपने सिरहाने लगा लेता है और सो जाता है। इधर जो लड़की रतन कवर 12 साल से राक्षस के साय में दबी थी, वो राक्षस खत्म हुआ, लड़की के शरीर से उस राक्षस का वजन हट गया। अब लड़की अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करती है और उस राक्षस को मारने वाले वीर की तलाश करती है। इधर उधर तलाश करती है, राजा वीर विक्रमाजीत को सोता हुआ पाती है, और अचानक उस राजा वीर विक्रमाजीत के बारे में कैसे विचार करती है, सुनिए। आपको एक छोटी सी रागनी और सुनवाते हैं, उस रानी रतन कंवर की क्या कहती है अपने विचार और कैसे करती है। राजा वीर विक्रमाजीत सो रहा था। हे भगवान, ये कौन है जिसने मेरा रोग काट दिया? जिसका मौका लग जाए वही काट देगा रोग। क्या ब्रह्मा आ गया, क्या विष्णु आ गया, क्या शंकर आ गया, क्या इंद्र आ गया, कौन से तू ओ मानस? अरे खड़ा हो ले ओ सुखसहु, तेरे कान में मकोड़ा बढ़ गया। ए छोरी हाथ लगा लालियो, हाथ लगा खड़े हो गो नहीं तो खड़े हो जो सोबन आले जाग जा तेरे सर पे आधी रात मैं राम की चू पकड़ूंगी। मेरे दिल में तृष्णा जागी, मेरी छाती के माला लागी ऐसी फिर गुआली नाद के तो बोल पड़ना पकड़ूंगी। छतरी रजपूत ने इस छतरी रजपूत ने इस दिल के मजबूत ने इस दिल के मजबूत ने जानू इब सो बोला भी जाता नहीं, आए बोला भी जाता नहीं, डोला भी जाता नहीं,
मंगेरा में की गेल में आए मंगेरा में की गेल में इब बैठे लो बेल में इब बैठे लो बेल में यू गठ जोड़े की जात मने राम की सू पकड़ोगे हाथ ओ बटेऊ ओ मानस ओ सुखसऊ खड़ा होले ए मेरे राम क्या तुम ही हो मेरे राम इतना लंबा भाई तो इतना लंबा के बात तुमने मेरी बीमारी काटी हाँ मैं धो बीमारी काटनी है अच्छा हाँ क्या कहना चाहे तू मैं कहना चाहती हूँ हाँ बता कि जो भी मेरी बीमारी काटेगा जो भी तेरी बीमारी काटेगा मेरी बापू की प्रतिज्ञा थी तेरे बापू की प्रतिज्ञा थी जो भी मेरी बीमारी काटेगा जो भी तेरी बीमारी काटेगा उसको आधा राजपाट उसको आधा राजपाट साबत की साबत मैं साबत शायद शुरू के तू आधा राजपाट और साबत की साबत तू हाँ तू साबत से हाँ मंदिर की मैं सतवासी होड़ी से तू साबत तू उतरा ही कौन हुई अच्छा तेरे पिता की ये शर्त है हाँ कोई बात नहीं जब तेरे पिता की शर्त है तो हम आपके पिता की शर्त मंजूर करते हैं चलिए मेरे पिताजी के पास तेरे पिताजी के पास भी चलूं हाँ चलते हैं चल और इस बच्चे की इसी रागनी पे 100 रुपये लाला राम जी पंच से पंचा बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद राजा श्याम धाम की शर्त के मुताबिक दोनों की शादी हो जाती है आधा राज दे दिया और रतन कवर के साथ में शादी कर दी अब राजा वीर विक्रमाजीत जो अपने हिस्से का राज था उस राज की देखरेख करने के लिए सुबह सुबह अपने घोड़े पर सवार होता है और जाता है सैर करने के लिए तो वो रानी रतन कवर उसे मना करती है कि आप सब जगह जाना लेकिन एक जगह मत जाना रतन कवर जी देखिए मैं जा रहा हूँ अपने राजपाट को संभालने के लिए अच्छा जी जाऊं क्या करने अरे राजपाट को संभालने के लिए जा रहा हूँ घूमने के लिए जा रहा हूँ अड़े घूम ले कड़े घूम लू अड़े कड़े लेटरिंग में हट वो घूमना नहीं है और ये हवलदार साहब श्रीमान दुलीप चंद जी जोगी ग्राम खोर की रानी से 100 रुपये सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद उरे घूमण का जिक्र कौन है शेयर करके आऊंगा अपने राज की अच्छा हाँ चार दिशा है चार दिशा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जानता हूँ क्या कहना चाहती है दक्षिण दिशा में मत जाना दक्षिण दिशा में नहीं जाऊं ना ठीक से कोई बात ना तेरी बात मानूंगा हाँ क्यों भाई वीरवानी की बात माननी चाहिए चलाना चाहिए को नहीं जाऊं दुर्गा हाँ मान जा कहे की को नहीं जाऊं खतरा से उड़े अरे को नहीं जाऊं बता दिया ना क्या अब तब पुर्जे खुलवा क्या वर्ड है हाँ पुर्जे खुलवा क्या वर्ड नहीं 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 ऐसी बात नहीं है देखिए मैं नहीं जाऊं चला गया तो देख लिए अरे देवी को नहीं जाऊं बता दिया ना हाँ मेरी क्यों खाल से वीर बनिया का बड़ा बड़ा सिलेंडर हो यार उड़े सोख कर खराब हो वैसे कोई दिक्कत नहीं दुर्गा बैठ जा देवी बैठ जा घनी खोटी से जितनी छोटी उतनी खोटी हेलो राजा वीर विक्रमाजीत ने विचार किया कि दक्षिण दिशा में जाने के लिए मना क्यों करती है क्या है दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा में ही चला गया जाके देखे गलियारे के माँ एक चौबारे पे लड़की खड़ी हेलो और वो लड़की खड़ी खड़ी अपने केस सुखा रही लड़की का मुख दूसरी साइड में था पीठ गलियारे की तरफ थी आवाज लगाता है राम राम करता है लेकिन वो घमंडी लड़की राम राम नहीं करती होता क्या है सुनी हेलो हेलो राम राम मैंने कहा जय राम जी की राम राम किसी आदमी अगर राजा बना दिया जड़ा राम राम का जवाब ही कोनी दी बोल शाबाश भाई आजादे कहिए हाँ आपको शर्म नहीं आती है किसी दूसरे के गलियारे में आकर के और बदतमीजी करते हो के बदतमीजी करी भाई मैंने देखिए कोई भी माता बहन बैठी है भाई बंधु बैठे हैं चाचा ताऊ बैठे हैं कोई भी बता दो मैंने बदतमीजी करी है देखिए मैंने तो राम राम करी है
अच्छा हाँ मन न्यू बता हाँ राम राम हाँ कोई मैं आपको जानती नहीं हाँ। और आप मुझे नहीं जानते। देखिए राम राम करने में जानकारी की जरूरत नहीं होती, अनजान आदमी से भी राम राम जय राम जी की कर सकते हैं, कोई बड़ी बात आप नहीं। आप एक काम कीजिए हाँ। आप मेरे गलियारे से चले जाइए यहाँ से। और ना जाऊं तो पहले न्यू बता तू से कौन है। मैं हाँ बटेऊ। बटेऊ जी कहाँ का? इस नगरी का। इस नगरी का मतलब तुम्हारे राजा श्याम धाम की लड़की ने ब्याह हूँ बोल बटे हुआ कि नहीं? बिल्कुल हाँ। अच्छा तो वो बटे उसे हाँ। जो एक बिलांत का सपोलिया मारा था भाई, वो एक बिलांत तो बैठ चो जागिरवा दे सपोलिया हाँ। एक बिलांत का सपोलिया हाँ। उस एक बिलांत के सपोलिया ना 12 साल होगी, पूरे गांव के मार रोज एक आदमी मारा से कोई मारनिया नहीं था उसने। देखिए हाँ और मुझको मार करके आप बहादुरी का काम कर लिया। बिल्कुल अच्छा हाँ। देखिए बटेऊ जो मेरे गलियारे में आता है एक बार और कह दे। आप दूर से बात कीजिए, आप बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं। एक बार और कह देना। और तन बेरा से जो मेरे गलियारे में आता हाँ, है हाँ, उसकी क्या हालत करती हूँ? एक बार और कह देना। आप अपना रास्ता लीजिए। एक बार और कह देना की दिक्कत आओ। और तेरे जैसे बटेऊ सुधारे जाए। बटेऊ सुने भैया सुनिए बताइए। अरे आका देख बटे वो मूर्ख हो खंडे राव परी ने मानस लाखा गेर किए गढ़के नहीं दिखता ऐसा सुतरा नहीं दिखता वारू जान छेल पर के इशा ब्यावनिया नहीं दिखता मारू मूठ बहल पर के। अरे इशा ब्यावनिया नहीं दिखता जो मारू मूठ बहल पर के इशा सोवनिया नहीं दिखता मारू लेट पहले कर के और जल जा पाक पखेरू की जो आजा मेरे मेल पर के। अरे जल जा पाक पखेरू की जो आजा मेरे महल पर के आज तो आ गया महल तले। अरे तड़के दियांगा महल तले पे आज तो आ गया महल तले और फिर मत ना आइए तड़के। अरे रस्ते की कोई बात सरावड़ी दो बात करने की दिक्कत आवश्य और सुनिए हाँ तेरे जैसे बटेऊ मेरे जैसे जो मेरे गलियारे में आते हैं जो तेरे गलियारे में उसकी क्या हालत बनाती हूँ सुन ले नंबर दो की बात ये क्रिया करे। ओ दरवाजे पे सूली कटरी मैं तोड़िया करूं बटेवा ने बेत की तरिया दोलड़ करके मैं मोड़ा करूं बटेवा ने रिक्शे पे तो नौकर राखू हो जोड़ा करूं बटेवा ने तेरे किसे घर के गड़गड़ी मैं फोड़ा करूं बटेवा ने तेरे किसे घर के गड़गड़ी फोड़ा करूं बटेवा ने कल मैं तोक पड़ी लोहे की कल मैं तोक पड़े लोहे की ओ बजर बंद वादू कड़ी और तन मेरा से मैं कौन हूँ तू कौन है सुन ले बताइए। ओ तमरा आली किल्ली सू ओ कट के देख आंख खुल जा
ओ काशी जी में क्रोध धरिया तू बट के देख आंख खुल जा। हाँ काशी जी में क्रोध धरिया बट के देख आंख खुल जा। ओ सेन बोट लगे दरवाजे पे बट के देख आंख खुल जा। और नाचे हुर मेरे कमरे में चढ़ के देख आंख खुल जा। और नाचे हुर मेरे कमरे में चढ़ के देख आंख खुल जा। ओ किसे ते न करूं मोहब्बत मैं किसे ते न करूं मोहब्बत मरे देश बार ने पढ़ के। और खंडे राव परी नर मोण सला खांगे रदिए गड़ के। और देख हाँ तेरे जैसे मेरे जैसे मेरी कैद में बहुत है। तेरी कैद में बहुत है, हाँ। है। तेरी कैद में बहुत से मेरे जैसे हाँ। एक और शामिल कर ले। अच्छा, मन हाँ। सुन ले नंबर आखिरी बात बताइए। ओ पुतले मुंह की नाकन सू नाकन जी हाँ मैं पुतले मुंह की नाकन सू मत छेड़े मेरे पिटारे। चार घड़ी का हर सा हो गया ना समझा मेरे इशारे ने। हर चार घड़ी का हर सा हो गया समझा मेरे इशारे ने। ओ दादा ओ लक्ष्मी चंद बसोती पूछा श्री लक्ष्मी चंद बसोती पूछा पूजन गुरु द्वारे ने। श्री मांगेराम बावला हो गया देख के मेरे चुमारे ने। श्री मांगेराम बावला हो गया देख के मेरे चुमारे ने। ओ बिन सिंगा के बेल बटे और बिन सिंगा के बेल बटे नाथ गली मत ना फड़के। और खंडे राम परी में मानस लाखा घेर दिए घड़के। देखिए हाँ पतले मुंह की नागन सू मत छेड़े मेरे पिटारे ने। चार घड़ी का हरसा हो गया ना समझा मेरे इशारे ने। दादा लक्ष्मी चंद बसोदी पूछा पूजन गुरु द्वारे ने। और श्री मांगे राम बावड़ा हो गया देख के मेरे चोबारे ने। बिन सिंगा के बेल बटे ऊ नात गली मतना फड़के। और खंडे राव परी ने मानस लाखा घेर दिए गड़के। अच्छा आप अपना रास्ता लीजिए। ठीक है मैं जाता हूँ राम राम। बस नू माल तू रह के राजा का बटे हुए से हाँ। जब तुझे छोड़ रही हूँ। अच्छा नहीं तो वो तो समय बताता खत्म कर देती। नहीं तो बड़ी खतरनाक लड़की है राजा वीर विक्रमाजी। तू उस लड़की से ओछी मंदी बात सुन करके चुपचाप वापिस अपने महल में आ गया। और महल में आते ही बर्तन कवर खड़ी थी तैयार की। आलिया के बुंडे मुवाले के बात उदास क्यों हो रहा है के बताऊं। तै तो मना करे थी। अच्छा लेकिन मैं उसे दक्षिण दिशा में चला गया। किस में? दक्षिण दिशा में। सबत अर्चना रमा तो सबत ही आया। क्या अब तक पुर्जा खोया है कोई? ना 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 सबत आया कोई ना माजना कटवा क्या इसे। अरियो लड़ गाड़ से हो रहा है। ना ना कुछ नहीं यो कुछ भी नहीं है सही है। देखिए दक्षिण दिशा में कुछ नहीं था सिर्फ एक लड़की थी। वही तो वही वही तो नाश की जड़ से वही से नाश की। हाँ उस लड़की से मैंने बात की। वो अपना नाम खांडेराव परी बता रही थी। हाँ वही घमंडी लड़की है बहुत वो। हाँ हाँ बहुत घमंडी लड़की है वो। मैं उस दिशा में चला गया आज। हाँ दोबारा ना चला जाइयो। दोबारा ना चला जाऊं? हाँ तू तो कह रही से दोबारा ना चला जाइए। हाँ दोबारा मत चल जाइए नहीं ऑपरेशन करवा क्या बगो। तू तो कह रही से दोबारा मत चला जाइए। और मैंने संकल्प कर लिया कि मैं उसे गमंडी लड़की के साथ मैं शादी करूंगा। हाय मेरी माँ मेरा के होगा। तू मेला में दुकान लगाइए चाउमीन की। देखिए अपने पिता के पास में जा कह के और उस लड़की से मेरी शादी करवा। ठीक है जल्दी जा। ओ बाबू बाबू प्रणाम। प्रणाम के बात बेटी। चाड़ा हो गया के? चाड़ा हो गया वो तेरा जमाई से ना। अच्छा के बात हो क्यों के? वो मेरी सोगड़ा वैसे खंडराव परी।
हाँ दूसरा ब्याह कर रहा है हाँ तेरा होता सोता मेरी बेटी के साथ धोखा बुलाओ बच्चे उन्हें किससे मैं सावल करूँ यो रस है बापू ऊक चोक ना बोले रे ऊक चोक क्यों कौन बोले काल तेरा ब्याह कर रहा है आज वो दूसरी ला रहा तड़के तीसरी ले आओगे तेरा बटे उसे है वो तेरा कुंड नहीं फिर कोई बात नहीं बाबू ना ना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बुला उस बटे उन्हें मैं ठीक करूं उसने सम्मान से बोल बापू अच्छा तो तू ही शिकायत कर रही सर मन्ने सम्मान सिखा रही था तेरा बटे उसे अच्छा फिर आराम से बोल कर अच्छा हाँ एक बात से भाई मेरी सहायता करे से पूरी पूरी न्यू कैसे आराम से बोल इज्जत से बोल तेरा बट्टे उस शिकायत भी कर रही सर टेक भी ठा रही है कोई बात ना बप्पू ब्याह करवा दे मतलब खंडराव के साथ ब्याह करवा दे अच्छा तेरी राजी से हाँ अच्छा एक पकेगी अच्छा आध आध खा लेंगे अच्छा हाँ ये तो फूकला की दुकान करके बैठ जाएगी ठीक है भाई अरे लथुरा हाँ जी भैया हमारा जो दामाद है वो आपकी लड़की खंडराव से शादी करना चाहता है मेरी लड़की से हाँ तो तेरी क्या राय है बता मेरी तो 1% अच्छा ब्याह कर दे अरे नहीं ऐसा नहीं होता नहीं। तू सोच विचार के जवाब दे सोच विचार के जात का रिश्ता जात में हूँ अच्छा क्या मतलब तेरा बैठे उतर भाई ने तुरा सुन ले सुन ले तू तेरे भाईचारा ने तेरा परिवार ने तेरा रिश्तेदार ने पूछ ले अगर सबका मंजूर हुआ तो बता और नहीं फिर देख ले जन बच्चा को लू देख ले के आ देख ले मैं तो तेरा राज छोड़ दूंगा हां इज्जत सबका हो से अच्छा हां या कोई बात हुई के देख ले आ तो राज छोड़ने की क्या जरूरत है राज सलाम सुनो कर ले राजा सर राजा को छोरी ने पूछ ले अगर बार राजी हो तो तू बिना काम में तू पंगो करा फिर प्रजा ने तंग करने वाला राजा का तू तो या कहीं देख ले हां देख ले तो फिर क्या है क्या है और क्या हम तो तेरी नगरी छोड़ देंगे साहब अच्छा जात का रिश्ता जात में यो को ठड्डो सेगे तेरा तेरो बटेऊ तेरी छोरी राज अरे तो जब भी करे सु पूछ तो ले एक बार ले पूछ ले हां पूछ अरे भाई चारा से सगलाई से बात करा भाई यो हां भाई सगलाई बैठा सो देखो मुखिया सो गांव का पंच सरपंच मेंबर सब बैठा सो क्या बोलो भाई प्रधान जी हाँ जी भाई तू गांव को प्रधान से प्रधान सो भाई भाई तू बता वो खंडराव परी से शादी करना चाहता है वो शाम धाम का जो बटे हुए है तेरी के राय भाई वैसे तो तू समझदार से जात का रिश्ता जात में हो से ना भाई सच्ची बात जात का रिश्ता जात में को पानी मिल जाए भाई अरे भाई तेरी छोरी से और इससे पूछ ले मेंबर थे हाँ भाई बोल भाई बोल भाई हाँ भाई नथुराज सुन मेरी बात हाँ मैं अमर साहब मुंह संभाल के बोलिए भाई अच्छा हाँ भाई राजपाट में सिर पड़ा वो भी राज्य है हाँ भाई सह तो ठीक है हाँ भाई करते भाई याद दे भाई शैनी अरे कर तो दे बड़े उक्को पानी तो कौन मिले खूंडी दोस्त बुझ ले प्रकाशित दे हाँ सरपंच थे प्यारे लाल थे हाँ भाई प्यारे लाल जी तेरी सुना भाई नथुराज तेरी लड़की भाई मारी लड़की भाई हाँ तना अच्छो लगो ये कर ली भाई तना अच्छो लगो ये कर ली ठीक से तो भाई जाता अरे भाई मारी उड़ता है भाई अपनी छोरी जैसे पहला का दी भाई हाय बूढ़ा मुवाला क्यों समझो करे के आगे मत ना बोल जाए खून खच्चर हो जाएगा क्यों करो जाएगा धरती पर जरा के अरे मारी छोरी सपे लगे और अरे नालायक तुम शर्माई कैसे बेशरम क्यों हैं हाँ अरे तेरे तू भी बोला था तू भी बोला था क्यों मेरे में क्या कमी से तेरी अरे इज्जतदार आदमी सू मैं अरे हूँ मारी भाई भाई की बेइज्जती करवा दी तेरी माँ ने बावड़ी पूछ क्यों करे अरे मैं लाग के तुम्हारी भाभी से है पर हूँ बादिया के जा बैठी मिरारी अरे वाह उसके दिल की बात है वह कहीं बैठ सकती है अरे जा मिरार तू भी बोल लो सेट मिरार दो पैसा को है घर को समान ही को ना अरे के तेरी छोरी देखो बेटा खंडराव परी हाँ पिताजी नमस्कार बेटा एक आफत आ गई के बाद भाई वो खंडराव
परी बेटा हाँ। जो वो शाम धाम का जो बटेगु है अच्छा जो वो सपड़ोटियो मारियो हाँ। वो न्यू कैसे है अगर मैं तो ब्याह करना चाहूँ तेरे साथ बेटा मन अच्छा। तो रहने को ने तन्ना रहने उसे बिल्कुल मैं बात कर लेती हूँ हाँ। आप बुलाई दरबार में मेरे आफत आएगी ओहो आइए का लड़े नमस्कार तो कह जाओ इसे जब मन ने क्यों खराब करे तेरी पहले की बात से है बेटी की कह खराब करती हम लोग कहने है मेरा नमाज ना खराब कर तेरी जानकारी थी तो मन ने क्यों खराब करो थे देखिए पद से देखूंगा पहले हमारे दो अतिथि हैं उनका सम्मान होना बहुत जरूरी है बाद में देखूंगा मन के बेरो पेट चौदह पहले पेपर पढ़ते वो आपको माननी पड़ेगी 16 शर्त हैं कौन कौन सी आपकी 16 शर्त अच्छा हाँ सुनिए बताइए सुनिए हे रे मेरी केल्या हो ब्याह करवाना हो दखा पेल नहीं से और सोला शर्त कुबानी होगी हंसी खेल नहीं से और मेरी गलिया ब्याह करवाना दखा पेल नहीं से सोला शर्त कुबानी होगी हंसी खेल नहीं से और देखिए बताइए कौन कौन सी शर्त है पहली सुनिए वो सब कमरे में आवेगा हाँ? तेरी कुर्सी मेज बिछाऊ ना बोली सहज सहज पगटे कुंगी कद्दवाज तेज बिछाऊ ना वो तेरे आराम करण की खातिर तेरी सतरंग सेज बिछाऊ ना और तो सकदरी गली चे तेरे मैं करके एज बिछाऊ ना तो सकदरी गली चे तेरे करके एज बिछाऊ ना हो जिन दिला में काट्या चावे हो जिन दिला में काट्या चावे दिला में तेल नहीं से सोड़ा सर्द पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से ओ सोड़ा सर्द पुगानी होगी हंसी खेल तो ये मेरी हाँ। चार शर्त है चार शर्त और सुनिए कौन सी शर्त है दूसरी 12 और बता दे तेरा भोजन जी मने आवेगा मैं लेके पंखा डोलू ना आई हीरे मोती कणी मणि तेरी खाली जेब बट डोलू ना ओ तू दारू पी के लेटेगा तेरे पांदा बूसर रोलू ना और ओड पहर सिंगर के ने तेरी जोबन जाल जो खोलू ना ओड पहर सिंगर के तेरी मैं जोबन जाल जो खोलू ना मैं फिरू सांडनी जंगल की मैं फिरू सांडनी जंगल की मेरे गली नकेल नहीं से सोला शरत पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से थोड़ा शरत पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से और देखिए और ये 100 रुपये श्रीमान राजेश जी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सुनिए नंबर 3 की बात बताइए ओ मेरे जैसा इस दुनिया में जिगर सांप का कोन्या अरे न्यानी तीन जानू सू मेरे ले पाप का कोन्या और गंधर्व की नरी रहे रुखाड़े डर तीन ताप का कोन्या अच्छा और जुड़सा पहले बोलेगा वो असल बाप का कोन्या रे जुड़सा पहले बोलेगा वो असल बाप का कोन्या तेरी गाड़ी टूटी बाख निकल रही है गाड़ी टूटी बाख निकल रही और सख्त सकेल नहीं से और 16 शर्त पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से ओ 16 शर्त पुगानी होगी हंसी खेल नहीं से और नंबर आखिरी की बात और सुन ले बता दे सुनिए
ओ सोना शरत पुगानी होगी दुर का साथ करू को न्या और दिन मैं तेरे घर आ जाऊंगी कदे काली रात करू को न्या जो वीर मर्द की हुआ करे उसी खुबात करू को न्या लक्ष्मी चंद पेज की पक्की कदे बात करू को न्या श्री लक्ष्मी चंद पेज की पूरी कदे बात करू को न्या ओ मांगे राम बोलते पेनी ओ मांगे राम बोलते पेनी और कोई सेल नहीं से सोला शर्त पुगानी होगी देखिए जो कही सो मान लई बात सभी तेरी हूर इस भरे दरबार के सामने तेरी सोला शरत मंजूर मंजूर हाँ अच्छा बैठे ठा मैं हमें भी कसर को नहीं सर बोलन तक की शर्त लगा दी के जुड़ सब पहले वो लगा हुआ असल बाप का कोन्या बिल्कुल और फिर भी मैं तेरी सारी शर्त मंजूर करता हूँ ठीक है तो फिर शादी कर बिल्कुल मैंने वचन दिए हैं जी शादी तो करूंगी दोनों की शादी हो गई सुबह सूर्य उदय होता है खांडेराव वीर विक्रमाजीत के महल में आ जाती है और सूर्य अस्त होता है तो महल से चली जाती है चार पांच दिन के बाद राजा वीर विक्रमाजीत अपने वीरों से पूछता है कि वीरो महाराज ये कहाँ जाती है रात को इसकी सारी खबर लेकर के आओ ये इंद्र खाड़े की परी है अच्छा ये रोजाना जाती है और चार बजे आती है जी 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 वाह भगवान जो भी करता है वो सही करता है मुझे भी राजा इंद्र से मिलना था और ये इंद्र के अखाड़े में जाती है राजा वीर विक्रमाजीत उस खांडेराव परी के विवाण को पकड़ करके अदृश्य होकर के इंद्र अखाड़े में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के अपना रूप बदल लेते हैं और तबलची की जगह तबला बजाते हैं तबले पर बैठ करके ऐसा मनमोहक तबला बजाया कि जितने भी देवी देवता ऋषि मुनि उस इंद्र दरबार में बैठे थे सब के सब उस तबले से बड़े प्रसन्न होते हैं और अपनी अपनी तरफ से राजा वीर विक्रमाजीत को इनाम देते हैं कार्यक्रम समाप्त हुआ और जैसे गया था उसी प्रकार उस खांडेराव के विमान को पकड़ करके वापस आ गया अपने महल में जाकर के उस रानी रतन कवर से कहने लगा कि रतन कवर जी महाराज आज इव वगुंगी आवेगी महल में मैं क्या करूं तुम मन न जगा दिए मैं सोन का नाटक करूंगा मैं तो ना जगाऊं तू जगा दिए मैंने ना और फिर मैं तो ना लड़ूंगा क्यों लड़ेगा उस मेरी रांड के चक्कर में मेरे साथ लड़ेगा नहीं नहीं मैं झूठा लड़ूंगा झूठा लड़ूंगा और तेरे मारू भी गा क्यों मारेगा अरे झूठा मारूंगा उसने बकान खातर मैं ना मरवती ना भाई मारना तो पड़ेगा देखिए न्यू नहीं करया करे तो मेरा साथ दे इस गुंगी का सारा राज खोल दूंगा मैं अच्छा हाँ जोर के ना मारिए ना बिल्कुल धीरे मेरे कान में वैसे गुदगुदी अच्छा हाँ कोई बात ना धीरे धीरे एक बारी होगी पाछा गुदगुदी को ने हो एक बड़ी ऐसा लग जाए फिर गुदगुदी को फिर पर्दा फट देखिए मैं सोऊं सू राजा वीर विक्रमाजीत सो गया और खांडेराव महल में आती है वो रतन कवर राजा वीर विक्रमाजीत को जगाती है ओहो आज काफी समय हो गया है चलना चाहिए हाँ जी खड़ा होले महाराज हाँ खड़ा होले गुंगी आली सत्यानाश कर दिया सबका एका मेरे क्यों मारी तन्ने क्यों जगाया मैंने मेरी नींद खराब कर दी तने मेरा सुबह सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है अच्छा और सुबह सुबह का सपना भी सच होता है सपना हाँ क्या सपना देखा तेने अरे मैं सपने में इंद्रपुरी में जा रहा था उड़े क्या देखा उड़े हाँ वो क्या देखा हाँ इतना बताऊं सारी बात बता दे हाँ। इंद्रपुरी में अरे के सपने काज कर करूं सपने में हो गया इस खांडे राव परी के संग में रात बनया तबले आड़ा के सपने का जिक्र करूं सपने में हो गया इस खांडे राव परी के संग में रात बनया तबले
तबले आला और के देखा तबला बजाने वाला चेंज हुआ था, लेकिन पृथ्वी लोक का आदमी कभी स्वर्ग लोक में नहीं जा सकता। बताओ बहुत महाराज, हमने तो कभी आपका तबला नहीं सुना। हा? आपका तबला ही नहीं सुना, कब बजाते हो, किस टाइम बजाते हो? मैं तबला कब कहां बजाते हो? यो तबला बजाओ बिजली जाने के बाद में, रात के 11 बजे सुनिए, या बांध घुंघरू रे नचती, या बांध घुंघरू नचती और छम छम छन नन करती जा, देखे मन तबले के रो बोलो बजायो रे धित गिट धित गिट धा धा धा, ओ मन तबले के बोले बजाए धित गिट 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 धा धा धा, सारे गमा पादानी सा निधमा पागारे सा और सारी महफिल करी सराना रे वा भाई वा भाई वा वा वा, सारी की मिली अशरफी। अच्छा? एक इनाम की मिली अशरफी और एक मिली मोहन बाड़ा, ठंडे राग परी के संग में रात बनिया तबले आला, कर कर रस बने हो गया चला, ठंडे राग परी के संग में रात बनिया तबले आला। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी लोक का आदमी स्वर्ग लोक में जा सकता है, लेकिन वहां से ऐसी वस्तु आगे और के देखा, और के देखा, हाँ और के देखा, हाँ ये बताऊं सुन, सर के ऊपर मेरे सर के ऊपर ओट मुसीबत इस मर जानी न दई मने। अच्छा? या गुठी या गुठी या गुठी श्री ब्रह्मा जी की रे ब्रह्माणी न तई मने, या गुठी ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी ने तई मने, और या गीता देख या गीता। अच्छा? श्री कृष्ण जी की रुक्मणी जी न दई मने, और या माला या माला लोगो या माला श्री इंद्र जी की रे इंद्राणी न तई मने, माँ पार्वती ने दई बबूती और शंकर ने दी मक्षन, खंडे राग परी के संग में रात बना तबले आला, ये सपने मरज क्या करूं सपने में हो क्या चला। हेलो बुकी, और सुनिए सुनाइए और क्या देखा? पहले देखा वो तो सुन लिया ना। हाँ। महाराज ये गुठी जो तेरे हाथ में है, महाराज आप मुझे माफ कर दीजिए, महाराज गुंगी बोलगी। हाँ। तो गुंगी बोलगी तो लख नाई ने को जो टोलिया हुए बोली गुंगी बोलगी। महाराज देखिए, हाँ मुझे ये पता है क्या कि पृथ्वी लोक का आदमी पृथ्वी लोक में नहीं जा सकता, पृथ्वी लोक का आदमी इंद्रपुरी में नहीं जा सकता। जी हाँ जी। लेकिन महाराज आप कौन हैं? क्योंकि आप साधारण आदमी नहीं हैं। जी। और ऐसी ऐसी वस्तु लाना ये कोई छोटी बात नहीं है। सुनिए मैं कौन हूँ। हाँ। ईशा उषा मन मत ना समझे, ईशा उषा मन मत ना समझे, मैं 14 विद्या जानू सू और जंतर मंतर जादू टोने रवात भात के जानू सू, जंतर मंतर जादू भात भात के जानू सू, छह राग और 30 रागनी मैं बहरू राग बखानू सू, फिर मल खाड़ी मर कुश्ती ही जीतू और रण में शस्त्र तानू सू, मल खाड़ी मर कुश्ती जीतू रण में शस्त्र तानू सू, दो दो हाथ दिखा दू रण में, दो दो हाथ दिखा दू रण में, जिसकी गल मने पड़ा इस खंडे राव परी के सब में रात बना के सपने कज कर करू अपने में हो गया चारा, तेरा करी के संग में रात बना तबले आला। महाराज ये तो मैं जानती हूँ कि आप 14 विद्या निधान हैं। जी बलवान हैं। हाँ। लेकिन आप कौन हैं, कौन सा आपका शहर है अभी तक हमें पता नहीं है, और माता पिता कौन हैं? सुनिए बताता हूँ वो भी कहिए,
देखे मैं इंदर का पोता सू पोता अच्छा मैं इंदर का पोता सू और गंधर्व सेन पिता मेरा बड़ा भाई से मेरा भरथरी दुनिया में पटरा मेरा बड़ा भाई से मेरा भरथरी दुनिया में पटरा मेरा एक मैनावती एक मैनावंती बाण मेरी हर आज तलक था अंधेरा मैं वीर विक्रमा जीत भूप सू उज्जैन शहर मैं घर डेरा वीर विक्रमा जीत मेरा उज्जैन शहर मैं घर डेरा कह मांगे राम कह मांगे राम गुरु लक्ष्मी चंद्र दुनिया का देखा वाला सखांडे राम परी के संग में महाराज हाँ देखिए आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ क्या कि जो मैंने आप 16 शर्त लगाई थी जो 16 शर्त तूने लगाई थी वो इसलिए लगाई थी क्योंकि मैं इंद्र महाराज की कैद में हूँ कैद में हूँ इंद्र की कैद में है जी हाँ मतलब? क्योंकि मैं उनके दरबार में जाती हूँ हाँ। वहाँ पर नाच गाना करती हूँ जी और इंद्र महाराज ने यही शर्त लगाई रखी है कि वो मुझसे शादी करेंगे इंद्र तेरे से शादी करना चाहते जी महाराज तू क्या चाहती है महाराज हाँ। आप उनके वंशज हैं हाँ। तो आप इस कैद से मुझे छुटा सकते हैं बिल्कुल आपको इंद्र की कैद से आजाद करवा दूंगा चलिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा आपको हाँ कल तो मैं तेरे साथ ही गया था जी तेरे को पता नहीं हाँ तेरे साथ ही गया था लेकिन गुप्त लेकिन आज तेरे बराबर तेरे विमान के अंदर बैठ करके चलूंगा राजा इंद्र मेरे को देखेगा और देखते ही आप पर क्रोध करेगा कि पृथ्वी लोक का आदमी इंद्रपुरी में क्यों लाई जी तो फिर हकीकत बता देना मेरे बारे में सच्चाई बात बता देना क्यों कया करें कि सांच बराबर धर्म नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं सच्चाई जो होती है वो कभी छुप नहीं सकती और सच्चाई को आंच भी नहीं आ सकती तुम्हारा चलिए सच्चाई बता देना फिर राजा इंद्र अपने आप तेरे को कैद से आजाद कर देगा खांडे राव और वीर विक्रमा सजनों दोनों का हो गया एक विचार बैठ विवाण में पहुंच गए जहां इंद्र का दरबार महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ खुश रहो खांडे राव प्रणाम महाराज प्रणाम खुश रहो खांडे राव जी महाराज ये मृत लोक का आदमी इंद्रपुरी में लेकर के क्यों आई है तू महाराज पहले तो मैं माफी चाहती हूँ लेकिन ये कोई और नहीं है ये आपके वंशज हैं मेरे वंशज जी महाराज महाराज गंधर्व सेन के लड़के हैं इनका नाम वीर विक्रमाजीत है अच्छा वीर विक्रमाजीत हाँ तो ये तो जब मेरा ही पोता है सुनिए महाराज और आप मुझसे शादी करके बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता महाराज सुनिए तू बाप बनो परे वो लगे से हाँ मैं बाप बरोबर जी मैं तो तेरे से शादी करना चाहता नहीं महाराज सुनिए वो सेवरो कौन बंद है तेरे ओ बाप बनो परे तू लगे से नो बोली तू मेरे बाप बरोबर लगे से और मैं तेरे पोते की बहू पिता और मैं तू खुद वीर विक्रमा जी तबू पशु मेरी कर दे माफ खता ओ बाप बराबर लगे से मैं तेरे पोते की बहू पिता यो वीर विक्रमा जी तबू से इसकी कर दे माफ खता और सुनिए ओ केरा के दुख दूर करनिया ओ जब ते उम्र संभाली से एक बठियारी का पूत जिवाया उम्र कंवर की बाड़ी से ओ शाम धाम की कर छुटवाई और रतन कंवर घर आली से मैं चमक चांदनी चमक चमेली यो मेरे चमन का माली से ओ चमक चांदनी चमक चमेली यो मेरे चमन का माली से ओ बहुरा बन के रस
चूसेगा, वो बमरा बन के रस चूसेगा, और दरवाजे पे झुकी लता यो वीर विक्रमाजी तबूप से इसकी कर दे माफ खता। ओ, 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 दूसरों के दुख दुख में पड़ के वो नहीं सुख देते हैं। बिल्कुल। ओ किले भीतर सांप रहे था, किले के भीतर एक सर्प रहे था, ईशा जहरीला मरिया नहीं, यो समझ परी ने लाया जीत के, मन में मासू डरा नहीं, समझ परी ने लाया जीत के, मन में मासू डरा नहीं, और मैं प्याली और मेरे पिता के कदम पिछाड़ी दरिया नहीं, सूरवीर बलवान भूप शरण तपछा फिरिया नहीं, सूरवीर बलवान भूप शरण तपछा फिरिया नहीं। और महाराज ये आपके पास क्यों आए हैं? ओ उन हंसा की हंसनी दे दे, उन हंसों की हंसनी दे दे, और आगे का तू भेद बता, यो वीर विक्रमाजीत रूप से इसकी कर दे माफ खता। और महाराज मेरी एक तमन्ना थी कि मैं उज्जैन शहर देखूं। अच्छा। जी हाँ सुनिए, ओ 20 साल तलो लगरी उज्जैन शहर में ब्याही जा, वीर विक्रमा जी तबूप कर घर पर पड़े लुकाई जा, ओ दया धर्म का कॉलेज जट्टी में सारी बात सिखाई जा, 24 घंटे सुबह शाम तो चार वेद में गाई जा, सिर टेकूंगी तनू वखता सर टेकूंगी, जित लक्ष्मी चंद की चिड़ी चिता, यो वीर विक्रमाजी तबूप से इसकी कर दे माफ खता। महाराज 20 साल से लो लगरी उज्जैन शहर में ब्याई जा, और वीर विक्रमाजीत भूप के घर पे बनू लुगाई जा, दया धर्म का कॉलेज जाटी में सारी बात सिखाई जा, सुबह शाम दो टेम नेम से चार वेद में गाई जा, दोनों वक्ता सिर टेकूंगी जीत लक्ष्मी चंद की चीनी चिता, और वीर विक्रमाजीत भूप से इसकी कर दे माफ कथा। खांडेराव मैं तेरे को धन्यवाद देता हूँ, तने मेरे पोते से मिलवा दिया, मेरे वंशज से मिलवा दिया। क्यों महाराज? मेरे अंश वंश से मिलवा दिया। क्यों? पृथ्वी लोक के ऊपर भी हमारा ही नाम चलता है जी। और इंद्रपुरी में भी हमारा नाम चलता है। और महाराज मैं उन अंशनी को ला करके देता हूँ। जी महाराज, ये उसी की तलाश में आए हैं। ठीक है अंशनी महाराज, तो खर अंशनी कांचड़ी छोड़ रखी से क्यों, काफी दिन होगा या अंशनी ले बेटा, और उन अंशु को दे दे जा करके, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों ठीक से? हाँ सजनो, राजा इंदर वो हंसनी ला करके राजा वीर विक्रमाजीत को सौंपता के बेटे पृथ्वी लोक पर भी मेरा राज है, इंद्रपुरी में भी मेरा राज है, ये हंसनी ले और ले जाकर के उन अंशों को सौंप दे। राजा वीर विक्रमाजीत अंशनी और खांडेराव परी विवान के अंदर सवार होते हैं, उस तमोल नगरी के अंदर आते हैं, वहां से रतन कवर को बैठाते हैं और चारों प्राणी चलकर उज्जैन शहर के अंदर आते हैं और वो हंसनी अंशों को सौंप देते हैं। सजनों इस देश के अंदर ऐसे ऐसे धर्मात्मा हुए हैं जिन्होंने अपने धर्म के लिए इंसान तो क्या पशु पक्षियों